आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। पानसैमल जनपद पंचायत के ग्राम खड़की में निवासरत ग्रामीणों ने नल जल योजना के तहत पेयजल वितरण में अनियमितता के आरोप लगाए हैं, जिसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके द्वारा शुल्क प्रतिमाह दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी कभी पानी आता है और कभी पानी नहीं आता है। उन्हें अन्य स्थानों से पानी की व्यवस्था करना पड़ती है। ग्राम के जिम्मेदारों द्वारा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्राम में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पहुंचे पीएचयू अभियंत्री ने बताया कि उनके द्वारा ग्राम खड़की में पेयजल वितरण प्रणाली का अवलोकन किया गया और जिन स्थानों पर पाइपलाइन लीकेज मिली वहां पंचायत के माध्यम से सुधार करने की बात बताई है। इस दौरान उपयंत्री पीएचई सुनील कलमेश, शिव नारायण छापरिया, संदीप मंगरोलिया, रोशनी सेनानी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर क्रांति देसले, टेक्नीशियन अशोक वसावे, ताराचंद वसावे, रोजगार सहायक सुभाष नरगावे एवं ग्रामीण मौजूद रहे। पानसैमल से संवाददाता सतीश केवट की रिपोर्ट। नरगांव है, मैं ग्राम पंचायत काउंसिल में सहायक सचिव के पद पे पदस्थ हूँ। यहाँ पर ग्रामीणों के आरोप है कि उनसे पैसा लिया जा रहा है पेयजल का, लेकिन वहाँ तक पानी पहुँच नहीं रहा है या कम दिनों में पहुँच रहा है? कम दिनों तक पानी तो अभी हमने चेक करा तो पर्याप्त पानी हर घर में पहुँच रहा है। और ग्रामीणों ने जो आरोप लगाए वो भी उनका सही हो सकता है, उनको नहीं, पर हमने जो अभी देखा और कुछ दिनों पहले भी देखा है पानी कम रहा है नलों से और बाकी नलों में पानी नहीं आ रहा है, तो कुछ मकाने से भी है। हाँ तो वो वाल खोलने में कई दिक्कत होगी या वाल चालक ने उधर छोड़ा नहीं होगा यार। नहीं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी पंचायत की है, उसको अभी बोल देंगे कि भाई वाल समय के बराबर जिधर पानी नहीं जा रहा उधर चेक करके खोल दिया करना। ग्रामीणों के आरोप है कि जगह जगह पर यहाँ पर पाइपलाइन कहीं पर लीकेज है कुछ स्थानों। हाँ तो पाइपलाइन लीकेज है, उसको दुरुस्त एस्टिमेट पीएचई से बना लेंगे और उसके हिसाब से। और एक जगह तो 6 महीने हो गए लेकिन वहाँ पर आपके द्वारा ध्यान नहीं दिया गया ऐसा बताया। हाँ कौन दुरुस्त करेगा? पंचायत करेगी, अभी 2-3 दिन में उसको कर देंगे। कब तक कर देंगे? 2-3 दिन में उसको खोद के। रसीदे भी नहीं दी जा रही है उनको? पैसा रसीदे पैसा जो आया था वो पंचायत के पास जमा है, कुछ पैसे की मोटरें जली थी उसका मोटरें सुधारी और पेमेंट है और रसीदे भी बना ली है तो सबको बांट। मैं सुनील कल में उपेंद्री पीएचई विभाग से पानसैमल क्षेत्र देख रहा हूँ इस समय, और आज यहाँ आने का मेन उद्देश्य हमारा ये था कि शासन के निर्देशानुसार उन्होंने जिले का किसी एक ग्राम को 24/7 के लिए चिन्हित किया था, तो उसमें ट्रायल के हिसाब से हमको देखना था यहाँ पे कि संभव है कि नहीं है, और अगर नहीं संभव तो उसमें क्या समस्या आ रही, वो सारी चीज़ें हमको निकालना थी यहाँ से, तो ताकि हम उसकी रिपोर्ट आगे सबमिट कर सकें और उसमें क्या उसका क्या निराकरण कर सके, ताकि वो जो शासन की मंशा है 24/7 के लिए तो उसके लिए क्या कदम उठाया जाए। तो उसमें आज हमने ये खड़की पानसैमल ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्राम है इसको आज देखने के हिसाब से आए थे हम, और इसमें यह पाया गया है कि अगर हम एक साथ में अगर जैसे इस गांव में चार में से हमने 3 से सप्लाई कर रहे थे पहले गांव में, तो तीनों को अगर हम एक साथ में अगर खोलते हैं तो सभी घरों में पानी पहुँचता कि नहीं पहुँचता ये हमको चेक करना था। तो इसका निष्कर्ष ये निकला है कि अभी क्या वर्तमान में कुछ टोटियाँ वगैरह निकली हुई है कि उसकी वजह से प्रेशर बन नहीं पाता, लास्ट घर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा कुछ घरों में, जैसे बिलाटी पलिया के 2 मकानों में लास्ट एंड के 2 घरों में पानी नहीं पहुंचा था, लेकिन अभी हमने जब सारे वाल बंद करवाए हैं तो उसमें ये पाया गया कि लास्ट घर में भी पानी आ रहा है। तो इससे निष्कर्ष ये है कि अगर पूरे वाल एक साथ नहीं घुमाते हैं और एक वाल अगर घुमा रहे हैं तो पानी पहुँच रहा है, लेकिन शासन की मंशा ये है कि अगर हम 24/7 की मंशा यही है कि आपको 2400 घंटे पानी अगर दें तो उसमें यही है कि सारे वाल एक साथ में खुले रहेंगे और उस दौरान पानी पहुंच रहा है कि पहुंच रहा है ये हमको चेक करना था। सर क्या योजना के पहले इस बात का ध्यान नहीं रखा? नहीं, ये स्पष्ट आपको बताना चाहता हूँ कि शासन की गाइडलाइन में ऐसा कोई सुनियोजित प्लान में ये नहीं था कि 24/7 पानी पिलाना है हमको, ये अभी वर्तमान की कंडीशन के अनुसार उन्होंने सिर्फ ट्रायल के लिए है, अभी ये फिक्स नहीं है कि हमको हर घरों को देना ही, मतलब हर जिले के हर ग्राम को कवर करना है, अभी ये सिर्फ हम चेक करें कि ये संभव है कि नहीं। सर कुछ घरों में अभी भी पानी नहीं है, उनके आरोप है कि उनसे पैसा लिया जा रहा है लेकिन पानी उनके घरों तक नहीं आ रहा है, मतलब महीने में कुछ दिन वहां पर पानी नहीं आता ऐसे आरोप लगे, उसको लेकर क्या कहें? देखो हम इसके लिए नल चालक से भी बात करेंगे, अगर हो सकता है उन्होंने कभी वाल उस समय कम घुमाया हो तो इस वजह से कभी बीच में कभी पानी नहीं जा पाया हो, तो उसके लिए वाल मेन को हमने निर्देशित कर दिया है क्या उस पर्टिकुलर जो
फलिया है, उसके सारे आटे घुमा, मतलब वार्ड के जो आटे होते हैं 42 आटे जो भी है वो पूरा घुमाएंगे तो वहाँ तक पानी पहुँचेगा। आपने अभी चेक भी किया ब्लैटी पहले जो आप खड़े थे मेरे सामने, तो उसके बाद हमने चेक पूरे वाल दूसरे वाल बंद करवाए और उसके पूरे आटे खुला तो वहाँ तक पानी पहुँच गया है। सर अभी आज आए हैं तो उनको पानी मिल गया है, क्या आप प्रतिदिन आएंगे इस समस्या का? नहीं प्रतिदिन का नहीं, लेकिन मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं, मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं। पर यहाँ पर पाइपलाइन कहीं पर लीकेज है, कहीं पर टूटी हुई है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अभी भी ग्रामीणों के आरोप है कि अभी तक उनको दुरुस्त नहीं करवाया गया। देखो दो जगह लीकेज का भी पता चला हमको, जैसे कोई भारी वाहन निकला था उसको जैसे कोई दिक्कत गई है तो उसको रिपेयर करवा के हम चालू करवा देंगे पंचायत के माध्यम से। सर अन्य पंचायतों में क्या स्थिति है? अन्य पंचायतों में पानसेमाला ब्लॉक की मैं बात करूँ तो 39 पंचायतों के अंदर 53 ग्रामों में हमारी योजना स्वीकृत हुई थी, जिसमें 19 योजनाएं हमने पंचायत को हैंडओवर कर दिए कार्य पूर्ण करने के उपरांत, और इसके अलावा 16 योजनाएं ऐसी है जिसमें अभी हमारा पेयजल प्रारंभ है, जो नई योजना है अभी उसमें इलेक्ट्रिक वर्क बाकी, इस वजह से अभी सप्लाई वहाँ पर बंद है। और 18 योजनाएं ऐसी है जो अभी रनिंग में, जिसमें छोटा छोटा कुछ काम अभी बाकी है हमारा, तो वो कार्य पूर्ण होने बाद हम पंचायत के हैंडओवर करेंगे, अभी काम प्रगति रहते हैं उनका। कार्य पूरा होने की समय सीमा क्या थी? समय सीमा वैसे 6 माह की थी टेंडर मतलब एग्रीमेंट के बाद की, लेकिन कुछ अगर डिले हुआ तो इसके लिए हमने पेनल्टी प्रपोज कर रखी है ठेकेदारों के खिलाफ। सर कितना समय हो गया मतलब शुरू होने के लिए? योजनाएं जैसे 2-3 फेज में योजनाएं चालू हुई थी, तो ये जो लास्ट फेज वाली योजना जो 23-24 में जो स्टार्ट हुई थी वो अभी रनिंग में चल रही है, और उनमें भी टाइम 6 महीने से ऊपर हुआ तो उसकी पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी जब वो पेमेंट के लिए जाएंगे जब काम करने के उपरांत। अभी तक कितने ठेकेदारों पर कार्रवाई की गई? मेरे पानसेमाला की बात करूँ तो एक जो प्रकाश पाटिल करके है जिसके पास मेरे पानसेमाला के 6 विलेज है और वो 6 में पेंडिंग काम चल रहा है, तो एक उस पर की है, जो मनकोई आमदा का ठेकेदार है उस पर भी करी है, और एक भात की टेमली और खुड़ाम वाली वो जो ठेकेदार उस पर भी 3 ठेकेदारों पर इस तरह से हमने करी है। सर अब कब तक पूर्ण होने की संभावना है? पूर्ण होने की संभावना देखो ये दिसंबर तक हो जाए संभावना, और अगर नहीं होता है तो उनके पास वैसे प्लेंटी और बढ़ेगी, लेकिन हम बकायदा ऑफिस से पत्राचार वगैरह चल रहा है, वरिष्ठ ऑफिस से भी उन पर कार्रवाई चल रही है।